Welcome back, my dear kids. How are you? I hope you all are fine. So, we will start another chapter of our science book by Brain Root series. और हमारी बुक का नाम है Science Spark Class 2. और आज हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे. हमारे चैप्टर का नाम है Plants Are Our Friends. हमारे फ्रेंड्स कौन हैं? पेड़ पौधे. तो चलिए पढ़ते हैं उनके बारे में. इन दिस चैप्टर यू विल लर्न. इस चैप्टर में आप क्या पढ़ेंगे? फूड फ्रॉम प्लांट, स्पाइसेस फ्रॉम प्लांट, टी, कॉफी एंड शुगर फ्रॉम प्लांट, मेडिसिन फ्रॉम प्लांट, वुड फ्रॉम प्लांट, फाइबर्स फ्रॉम प्लांट, रबर, पेपर, गम फ्रॉम प्लांट्स, परफ्यूम फ्रॉम प्लांट, सम अदर यूजेस ऑफ प्लांट. इस चैप्टर में मैं आपको बताऊंगी कि हमें प्लांट से क्या क्या मिलता है और प्लांट्स की कुछ यूजेस के बारे में बताऊंगी. बिफोर वी स्टार्ट वी हैव टू डू वार्म अप एक्सरसाइज. कलर द पिक्चर एंड राइट द नेम्स ऑफ द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल कैप्ड इन द बास्केट. एक बहुत सुंदर सी पिक्चर दी हुई है. आपको उसमें क्या करना है? कलर करना है. बास्केट में क्या है? फ्रूट्स हैं. आपको फ्रूट्स में कलर करना है और फ्रूट्स के नाम लिखने हैं. प्लांट्स आर वेरी यूजफुल टू अस. वी कैन नॉट लिव विदाउट प्लांट्स. वी गेट मैनी यूजफुल थिंग्स फ्रॉम प्लांट्स. प्लांट्स हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं. हम प्लांट्स के बिना नहीं रह सकते. क्यों नहीं रह सकते? क्योंकि प्लांट्स से हमें खाना मिलता है. और प्लांट्स क्या देते हैं हमें? बहुत सारी यूजफुल चीज़ें देते हैं. फूड फ्रॉम प्लांट्स. अब हम पढ़ेंगे हमें प्लांट्स से कौन कौन से फूड मिलते हैं. वी गेट फूड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स. प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स से हमें भोजन मिलता है. सबसे पहले हम पढ़ेंगे फ्रूट्स के बारे में. पेड़ों से हमें क्या मिलता है? फल मिलता है. वी गेट फ्रूट्स फ्रॉम प्लांट्स लाइक मैंगो, एप्पल एंड ग्रेप्स. हमें प्लांट से बहुत फ्रूट्स मिलते हैं. कौन कौन से? आम, सेब, अंगूर और भी बहुत तरह के डिफरेंट फ्रूट्स मिलते हैं. डू यू नो, क्या आप जानते हैं? वेजिटेबल्स लाइक टोमेटो, कुकुम्बर एंड बॉटल गॉर्ड आर आल्सो फ्रूट ऑफ प्लांट. टमाटर, खीरा और लौकी. कहने को तो ये वेजिटेबल हैं लेकिन ये क्या होते हैं? ये भी फ्रूट्स होते हैं. Now we will learn about stems. Stems क्या है? पेड़ का तना. अब पेड़ के तने से मिलने वाले भोजन के बारे में पढ़ेंगे. We eat the stems of the plant like ginger, potato, sugar cane and onion. हम आलू, प्याज, अदरक और गन्ना सब खाते हैं. ये सब क्या है? पेड़ों की स्टेम है, तना है. Leaves, leaves मतलब पत्ते. हम सब हरी पत्तेदार सब्जियां खाते हैं जैसे पालक, मेथी, बंद गोभी, मिंट, पुदीना. ये सब क्या है? पेड़ों की लीव्स हैं जिन्हें हम एज अ फूड खाते हैं. सीड्स, सीड्स किसे कहते हैं? बीज को. हम पेड़ों के बीज को भी खाते हैं. वी ईट द सीड्स ऑफ प्लांट लाइक पीज, ग्राम, ब्लैक पेपर एंड कोरिएंडर. आप सब मटर, काली मिर्च, चना खाते हैं. ये सब क्या है? ये सब सीड हैं जिसे हम एज अ फूड खाते हैं. सम प्लांट्स गिव अस फूड ग्रेन्स लाइक राइस, वीट, कॉर्न एंड बैरली. दीज फूड ग्रेन्स आर कॉल्ड सीरियल्स. हम गेहूँ, चावल, मक्का खाते हैं. ये सब क्या कहलाते हैं? ये सब सीरियल्स कहलाते हैं. आप रोटी खाते हैं. रोटी किससे बनती है? रोटी बनती है वीट से. आप सबको चावल खाना पसंद है. राइस, कॉर्न, कॉर्न मतलब मक्का. तो ये सब कहलाते हैं सीरियल्स जो हमें पेड़ पौधों से मिलते हैं. नाउ फ्लावर्स, फ्लावर्स मतलब फूल. हम कुछ पेड़ पौधों के फूल भी खाते हैं जैसे कॉलीफ्लावर एंड ब्रोकली. ये पेड़ों का फूल कहलाता है. गोभी जिसे हम खाना पसंद करते हैं और हम क्या खाते हैं? ब्रोकली भी खाते हैं. नाउ वी विल लर्न अबाउट रूट्स. रूट्स मतलब जड़. कुछ पेड़ पौधों की जड़ों को भी हम एज अ फूड खाते हैं. रूट ऑफ प्लांट्स लाइक रेडिश, कैरेट एंड टर्निप
आर ऑल्सो ईटन बाय अस. हम सब मूली, गाजर, शलगम खाते हैं. ये होती हैं पेड़ों की रूट जिसे हम एज अ फूड खाते हैं. नाउ टाइम टू टेस्ट योर स्किल. मैच द फूड टू द प्लांट पार्ट्स. यहाँ पे कुछ पिक्चर्स बनी हुई हैं किसकी, फूड की. तो आपको उसको मैच करना है कि ये प्लांट का कौन सा पार्ट है. जैसे कॉलीफ्लावर, कॉलीफ्लावर क्या है, प्लांट का फ्लावर है. तो हम कॉलीफ्लावर को मैच करेंगे फ्लावर से. ऐसे ही आपको कोकोनट, रेडिश, स्पेनिच और सीड्स को मैच करना है. नाउ वी विल लर्न स्पाइसेस फ्रॉम प्लांट. हमें प्लांट से मसाले मिलते हैं जो हमारे भोजन में क्या लाते हैं, टेस्ट लाते हैं. तो चलिए उन स्पाइसेस के बारे में पढ़ते हैं. वी गेट स्पाइसेस सच एज टर्मरिक, चिलीज एंड ब्लैक पेपर फ्रॉम प्लांट्स. हमें हल्दी, मिर्च और काली मिर्च किससे मिलती है, प्लांट से मिलती है. दीज स्पाइसेस आर एडेड टू आवर फूड टू गिव अस कलर, टेस्ट एंड फ्लेवर. इन सब मसालों को हमारे भोजन में मिलाया जाता है और ये क्या देती हैं हमारे भोजन को, स्वाद, रंग और फ्लेवर देती हैं. डू यू नो, क्या आप जानते हैं, स्पाइसेस आर यूज इन कुकिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड टू एड फ्लेवर टू फेवरेट डिशेस. मसाले दुनिया में हर जगह यूज होते हैं. किस लिए, भोजन में स्वाद देने के लिए. वी ऑल्सो गेट ऑयल बाई क्रशिंग द सीड ऑफ अ प्लांट्स लाइक सोयाबीन, मस्टर्ड, ग्राउंडनट, सनफ्लावर. ऑयल इज यूज फॉर कुकिंग एंड फॉर मेकिंग सोप्स एंड शैम्पू. कुछ पेड़ों के बीजों को क्रश मतलब मसल कर या पीस कर उनमें से क्या निकलता है, ऑयल, जिसे हम तेल कहते हैं. और कौन कौन से सीड से तेल मिलता है, सोयाबीन, मस्टर्ड, ग्राउंडनट एंड सनफ्लावर. सरसों का तेल, मूंगफली का तेल, सोयाबीन का तेल, ये सब किससे मिलता है, हमें सीड्स को क्रश करके. और ऑयल से क्या बनता है, खाना बनता है, शैम्पू बनता है और सोप्स बनते हैं. टी, कॉफ़ी एंड शुगर फ्रॉम प्लांट्स. आप सबको कोल्ड कॉफ़ी पीना बहुत अच्छा लगता है, आपके घर में बड़ों को चाय पीना अच्छा लगता है, और आपको क्या अच्छा लगता है, मीठा मीठा खाना खाना. तो कॉफ़ी, चाय और मीठा खाना किससे बनता है, जब हम खाने में चीनी मिलाते हैं. ये तीनों चीज़ें हमें किससे मिलती हैं, ये तीनों चीज़ें हमें मिलती है प्लांट्स से. वी गेट टी, कॉफ़ी, शुगर एंड कोका फ्रॉम प्लांट. हमें चीनी, चाय पत्ती, कॉफ़ी और कोका किससे मिलते हैं, प्लांट से. देखिए, टी प्लांट पत्तियाँ, किसकी, चाय पत्ती की. देन टी लीव्स, जब उसको सुखा दिया गया और फिर उससे क्या बना, अ कप ऑफ टी. वी गेट टी फ्रॉम द लीव्स ऑफ द टी प्लांट. हमें चाय मिलती है चाय की पत्तियों से. पॉट्स ऑफ कॉफ़ी, देन कॉफ़ी बीन्स, देन अ कप ऑफ कॉफ़ी. कॉफ़ी का पेड़ होता है, उसके बीज होते हैं, उनसे कॉफ़ी बीन बनता है और कॉफ़ी बीन से कॉफ़ी बनती है. डू यू नो, क्या आप जानते हैं, अर्लियर पीपल यूज टू कुक इन सेरेमिक पॉट्स. कुकिंग फूड इन क्ले पॉट इज वेरी हेल्दी. पहले के लोग मिट्टी के बर्तनों में खाना बनाते थे और मिट्टी के बर्तनों में बना हुआ खाना बहुत ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी होता था. नाउ वी विल लर्न मेडिसिन फ्रॉम प्लांट. हमें कुछ पेड़ पौधों से दवाइयाँ मिलती हैं. तो चलिए पढ़ते हैं कौन कौन से पेड़ पौधों से हमें दवाइयाँ मिलती हैं. सम प्लांट्स गिव अस मेडिसिन. दीज प्लांट्स आर कॉल्ड मेडिक्लिनल प्लांट. जिन पेड़ पौधों से हमें दवाइयाँ मिलती हैं उन्हें औषधि देने वाला पौधा कहते हैं. औषधि मतलब दवाई देने वाला. तुलसी लीव्स आर यूज टू क्योर कफ एंड कोल्ड. जब आपको जुखाम खांसी लगता है तो मम्मा आपको क्या देती है, तुलसी के पत्ते की चाय, जो हमें बहुत रिलीफ फील कराती है. क्लॉव्स आर यूज टू ट्रीट टूथैक. जब आपके दांत में दर्द होता है तो हमें किसका इस्तेमाल करना चाहिए, क्लॉव्स. क्लॉव्स मतलब लौंग का. नीम इज एन एक्सीलेंट क्योर फॉर स्किन इन्फेक्शंस. इट हेल्प इन किलिंग जर्म्स
इट ऑल्सो यूज इन टूथपेस्ट एंड सोप. नीम का पेड़ किस लिए काम आता है? अगर हमें कोई स्किन एलर्जी हो गई या स्किन इन्फेक्शन है तो उसको दूर करने के लिए हम नीम के पत्तों का इस्तेमाल करते हैं. नीम के पत्तों से टूथपेस्ट और साबुन भी बनता है. वुड फ्रॉम प्लांट्स, हमें पेड़ पौधों से क्या मिलती है? लकड़ी. और लकड़ी से क्या बनते हैं? बहुत सी चीज़ें बनती हैं, फर्नीचर एक्सेट्रा, बहुत सारी चीज़ें बनती हैं. द वुड ऑफ प्लांट्स सच एज टी, महागनी, नीम एंड बैम्बू इज यूज्ड फॉर मेकिंग फर्नीचर्स, कार्ड्स, पेंसिल, हाउसेस, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एक्सेट्रा. प्लांट्स ऑल्सो गिव अस फायर वुड फॉर कुकिंग फूड. तो पेड़ों से हमें लकड़ियाँ मिलती हैं, उनसे क्या बनता है? लकड़ी के घर बनते हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बनता है. देखिए तबला लकड़ी से बना है. वुडन चेयर, घर का फर्नीचर, चेयर, कुर्सी, टेबल किससे बनता है? लकड़ी से. और कुछ पेड़ों की लकड़ियाँ खाना बनाने के काम आती है. जब हमें चूल्हे पर खाना बनाना होता है तो हम लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं. नाउ वी विल लर्न फाइबर्स फ्रॉम प्लांट्स, हमें प्लांट से क्या मिलता है? फाइबर. प्लांट सच एज कॉटन एंड जूट गिव अस फाइबर. कपड़ा हमें किससे मिलता है? पेड़ों से, कॉटन और जूट से. फाइबर्स आर फाइन थ्रेड डेट आर यूज टू मेक अ क्लॉथ. फाइबर क्या होता है? एक बहुत मजबूत अच्छा धागा होता है जिनसे कपड़ा बनता है. फाइबर्स आर यूज फॉर मेकिंग क्लॉथ, बैग, रोप्स एंड सो ऑन. और फाइबर से कपड़े बनते हैं, जूट का बैग बनता है, और क्या बनते हैं? रोप. रोप माने रस्सी, जूट से बनती है. रबर, पेपर एंड गम फ्रॉम प्लांट. आप सब स्कूल में कॉपी में वर्क करते हैं, इरेजर का यूज़ करते हैं, फेविकॉल का यूज़ करते हैं, गम का यूज़ करते हैं. ये सब चीज़ें हमें किससे मिलती है? पेड़ों से मिलती है. वी गेट रबर फ्रॉम जूस ऑफ रबर ट्री. रबर का ट्री होता है और उसके जूस से हमें क्या मिलता है? रबर. देखिए ये रबर का पेड़ है, उससे जूस मिला और उससे क्या बना? रबर. इट इज़ यूज फॉर मेकिंग टायर्स, पाइप एक्सेट्रा. और उसके जूस से क्या बनता है? टायर बनते हैं, पाइप और भी बहुत सारी चीज़ें बनती हैं. वी गेट गम फ्रॉम द जूस ऑफ अकाया और कीकर ट्री. अकाय और कीकर ट्री के जूस से क्या बनती है? गम. और वी गेट पेपर फ्रॉम बैम्बू प्लांट. और बैम्बू प्लांट से हमें क्या मिलता है? पेपर. पेपर से आपकी नोटबुक्स और भी बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं. मतलब बैम्बू ट्री से हमें कागज मिलता है. परफ्यूम्स फ्रॉम प्लांट. कुछ पेड़ पौधों से हमें क्या मिलता है? परफ्यूम, जिसमें से क्या आती है? बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस, खुशबू आती है. तो चलिए आप बताइए कौन से पेड़ों के फूल से खुशबू आती है? वैसे तो खुशबू सभी पेड़ पौधों के फूलों से आती है, लेकिन सबसे ज़्यादा आती है रोज और जैस्मिन से, चमेली और गुलाब के फूलों से. बहुत अच्छी स्मेल आती है. फ्लावर्स ऑफ प्लांट सच एज रोज एंड जैस्मिन आर यूज टू मेक परफ्यूम. सम अदर यूजेज ऑफ प्लांट. अब हम प्लांट्स के कुछ और यूजेस के बारे में पढ़ेंगे. प्लांट्स ऑल्सो यूज फॉर डेकोरेशन एट होम, ऑफिस, स्कूल एंड आर सराउंडिंग. मैनी फ्लावर्स आर अरेंज इंटू बुके एंड गिवन एज अ गिफ्ट. जब आपके घर में कोई फंक्शन होता है, या आपके स्कूल में, ऑफिस में, या सोसाइटी में फंक्शंस होता है, तो डेकोरेशन, सजावट की जाती है किससे? फूलों से. तो फूलों से हम सजावट भी करते हैं. प्लांट्स मेक द एयर फ्रेश एंड क्लीन. प्लांट्स क्या करते हैं? हवा को शुद्ध बनाते हैं और साफ बनाते हैं. प्लांट्स आर होम टू मैनी एनिमल्स सच एज बर्ड, मंकीज एंड स्क्वायरल्स. पेड़ पौधे कुछ जानवरों का और पक्षियों का घर होता है, जैसे गिलहरी, बंदर और चिड़िया. वी शुड नॉट कट ट्री. हमें पेड़ों को काटना नहीं चाहिए. मैन्योर इज मेड फ्रॉम ड्राई प्लांट्स पार्ट. पेड़ों के सूखे पार्ट से, सूखे भागों से क्या बनता है? खाद बनती है, जो कृषि के लिए बहुत उपयोगी है. लेट अस टेक अ प्लेज टू ग्रो मोर ट्री.
चलिए हम शपथ लेते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों को उगाएंगे। बच्चों, आप सबको एक एक पेड़ ज़रूर लगाना चाहिए। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, प्लांट्स डेट आर ग्रोन फॉर डेकोरेटिव पर्पस आर नोन एज ऑर्नामेंटल प्लांट्स। जिन प्लांट्स को हम सजावट के लिए उगाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, ऑर्नामेंटल प्लांट्स कहते हैं। नाउ टेस्ट योर स्किल, सर्कल द ऑड वन। यहाँ पे कुछ नाम दिए हुए हैं, आपको उनमें से जो नाम ऑड है, अलग है, उनको सर्कल करना है। सबसे पहले है पीच, आड़ू, बनाना, केला, मिंट, पुदीना, देन पियर, पियर मतलब नाशपाती। तो इनमें आपको क्या अलग लग रहा है भाई, तीन तो फ्रूट्स के नाम हैं और एक क्या है, वेजिटेबल। तो मिंट क्या है, ऑड है। देन नेक्स्ट कैरेट, कॉलीफ्लावर, रेडिश एंड बीट रूट। कैरेट क्या है, रूट है पेड़ की, कॉलीफ्लावर फूल है, रेडिश इज ऑल्सो अ रूट एंड बीट रूट इज ऑल्सो अ रूट। तो इसमें अलग है कॉलीफ्लावर। नेक्स्ट थ्री यू विल डू बाय योरसेल्फ। नाउ टाइम टू गो इन फ्लैशबैक। चलिए जल्दी से फ्लैशबैक में जाते हैं। प्लांट गिव अस फ्रूट, वेजिटेबल्स, नट, सीरियल्स, पल्सेस, स्पाइसेस, ऑयल, टी, कॉफी एंड शुगर। देखिए कितनी सारी चीज़ें हमें पेड़ से मिलती हैं, फल, सब्जी, तेल, मसाले, लकड़ी, चाय की पत्ती, बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। वी ऑल्सो गेट वुड, फाइबर, रबर, पेपर एंड गम फ्रॉम प्लांट्स। प्लांट्स आर यूज टू मेक परफ्यूम, सोप, शैम्पूस एंड टूथपेस्ट। प्लांट से क्या बनता है, ऑयल, शैम्पू, परफ्यूम और टूथपेस्ट। प्लांट्स आर होम टू मैनी एनिमल्स सच एज बर्ड, मंकीज एंड स्क्वायरल्स। प्लांट्स मेक द एयर फ्रेश एंड प्योर। प्लांट्स हवा को शुद्ध और ताज़ा बनाते हैं। नाउ टाइम टू डू एक्सरसाइज। एक्सरसाइज ए, टिक द करेक्ट ऑप्शन। सही ऑप्शन पे टिक का निशान लगाइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लांट प्रोडक्ट। चार चीज़ों के नाम दिए हुए हैं, आपको वो बताना है जो प्लांट प्रोडक्ट नहीं है, जो हमें पेड़ों से नहीं मिलता। कैबेज, ऑलमंड, एग और स्पिनच। हमें प्लांट से क्या नहीं मिलता, हमें प्लांट से एग नहीं मिलते। नंबर टू, विच ऑफ दीज आर यूज टू ट्रीट टूथैक। जब आपके दांत में दर्द होता है आप क्या इस्तेमाल करते हैं, क्यूनाइन, पेंसिलिन, तुलसी लीव और क्लोव्स। हम यूज करते हैं क्लोव्स मतलब लौंग। नंबर थ्री एंड फोर यू विल डू बाय योरसेल्फ। एक्सरसाइज बी, फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट। आपको खाली स्थान भरने हैं किसकी हेल्प से, जो वर्ड आपको ब्रैकेट में दिए हुए हैं। नंबर वन, ऑयल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम डैश। ऑयल किससे बनता है, फ्लावर से या सीड से, तो सही वर्ड है सीड्स, एस डबल ई डी एस, सीड्स। देन नंबर थ्री, नंबर टू एंड नंबर फाइव यू विल डू बाय योरसेल्फ। तो नंबर थ्री मैं आपको बताती हूँ, टी इज मेड फ्रॉम, टी किस से बनती है, लीव से या सीड से, टी बनती है लीव से, एल ई ए वी ई एस, लीव्स। नंबर फोर, शुगर इज मेड फ्रॉम डैश प्लांट। शुगर किस से बनती है, बीट रूट से या शुगर केन से, शुगर बनती है शुगर केन प्लांट से। हम लिखेंगे शुगर देन केन, सी ए एन ई केन, क्या मतलब है इसका, गन्ना। नाउ एक्सरसाइज सी, राइट ट्रू एंड फॉल्स फॉर द फॉलोइंग। यहाँ पे कुछ बातें लिखी हुई हैं, जो सही है उसके लिए ट्रू लिखेंगे और जो गलत है उसके लिए हम फॉल्स लिखेंगे। नंबर वन, तुलसी लीव्स कैन क्योर कफ एंड कोल्ड। जब हमें खांसी जुखाम होता है तो हम तुलसी की पत्ती का इस्तेमाल करते हैं। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है तो हम लिखेंगे ट्रू। नंबर टू, पोटैटो इज यूज फॉर इट्स मेडिकिनल वैल्यू। आलू से हमें दवाई मिलती है, नहीं, तो ये गलत है, हम लिखेंगे फॉल्स। नंबर थ्री,
जैस्मीन फ्लावर्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग परफ्यूम, चमेली के फूल परफ्यूम बनाने के उपयोग में आते हैं. यस दिस इज ट्रू, हम लिखेंगे TRUE ट्रू. नंबर 4 एंड नंबर 5 यू विल डू बाय योरसेल्फ. नाउ एक्सरसाइज डी, मैच द थिंग्स टू देयर रिसोर्सेस. यहाँ पे कुछ चीज़ों की पिक्चर बनी हुई हैं, आपको उनको मिलाना है किससे, जिनसे वो चीज़ें बनती हैं. नंबर पहली पिक्चर है ऑयल की, ऑयल मतलब तेल. तो तेल हमें किससे मिलता है, वीट, मस्टर्ड सीड, वुड, रोज फ्लावर या कॉटन. तेल हमें मिलता है मस्टर्ड सीड से, मस्टर्ड सीड मतलब सरसों के बीज से. नंबर 2 परफ्यूम की पिक्चर है. तो परफ्यूम हमें किससे मिलता है, परफ्यूम हमें मिलता है रोज फ्लावर से. नंबर 3 शर्ट, शर्ट क्या है, कॉटन की है. तो कॉटन हमें मिलता है कॉटन प्लांट से. देन चपाती, रोटी जिसे हम रोज खाते हैं. तो चपाती किससे बनती है, चपाती बनती है वीट से, गेहूं से. एंड द लास्ट वन टेबल, टेबल किससे बनता है, टेबल बनता है वुड से, लकड़ी से जो हमें पेड़ पौधों से मिलती है. नाउ एक्सरसाइज ई, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. माय डियर किड्स, वंस अगेन यू विल रीड योर चैप्टर वेरी केयरफुली एंड एक्सरसाइज ई यू हैव टू डू बाय योरसेल्फ. In this chapter, we have learned about the things which we get from plants. हमने उन चीज़ों के बारे में पढ़ा जो हमें पेड़ पौधों से मिलती हैं. I hope you like this video. Stay tuned for next video. Till then, take care. Bye-bye.